एक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। सो बैक टू बैक आप सबके लिए ऐसे वीडियो शेयर कर रही हूं जिसमें हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जस्ट थोड़ा सा टाइम देके कुछ टास्क को कंप्लीट करके प्रॉफिट अर्न करेंगे आने वाले 1 से 2 महीने में। उसी के लिए हम यहाँ पे बैक टू बैक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिससे कि आप सब इन प्रोजेक्ट से जुड़ के अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो ले सकें। देखिए प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, जो प्रोजेक्ट आपको जिसके अंदर पोटेंशियल लगे आप उन्हें ज्वाइन कीजिए, मिस मत कीजिए। और फ्री का जो अपॉर्चुनिटी है उसे तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि रिवॉर्ड मिलने में जरूर टाइम लगता है, बट क्रिप्टो में कब क्या हो जाए, कौन सा प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिट दे जाए ये कोई भी नहीं बता सकता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो भी ट्रेंडी प्रोजेक्ट है या जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो मैं आप तक जरूर पहुँचा सकूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की। और अगर आप भी हमारी क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, फ्री में अर्निंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिएगा एंड साथ ही जितनी भी वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं उन सबकी अपडेट आपको मिलती रहती है हमारे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर। सो बैक टू बैक आपको अपडेट्स यहाँ मिलती रहती है जिससे कि टास्क हमारे पूरे होते रहते हैं एंड हम प्रोजेक्ट से जुड़े रहते हैं। इसलिए आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं फटाफट से आज के प्रोजेक्ट की साइड, जो कि आ रहा है यहाँ पे सनराइज की साइड से। एंड अगेन ये विदाउट एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अभी अभी जस्ट इनका सनराइज पब्लिक टेस्टनेट जो है वो लाइव हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 जुलाई को इन्होंने यहाँ पे लाइव कर दिया है। अब इस टेस्टनेट को हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन कैसे करना है चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। के लिए सब कुछ इजी रहे, सारे टास्क इजी रहे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे टेस्टनेट गाइड भी आप सबके लिए दे रखी है। साथ ही इन्होंने ये भी बता रखा है कि ये फुली इंसेंटिवाइज टेस्टनेट है, इसलिए भूल कर भी मिस आपको नहीं करना है। क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एड्रॉप है क्या टेस्टनेट्स के लिए, टेस्टनेट यूजर्स के लिए। तो इन्होंने क्लियर बोला है येस टेस्टनेट यूजर आर एलिजिबल फॉर वेव 4 ऑफ द राइज एड्रॉप। अप ऑन द टेस्टनेट लीडर बोर्ड, every testnet task completed will earn you point, these tasks can also be repeated। मतलब आप जितनी बार इनके टास्क को कंप्लीट करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे उतने ज़्यादा आप XP अर्न करेंगे। How long will the testnet run? तो उन्होंने बोला हुआ है कि अभी इन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं किया है, पर आपको यहाँ पे इनके अनाउंसमेंट को चेकआउट करते रहना है। बाकी आप यहाँ पे बात करें कि कितना अलोकेशन ये यहाँ पे एड्रॉप के लिए दे रहे हैं, तो इधर आप देख सकते हैं ओरिजिनली अ टोटल ऑफ 7% ऑफ टोकन सप्लाई वॉज शेड्यूल्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द इनिशियल एड्रॉप एट TGA। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको मिस नहीं करना है। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आने के बाद आपको कनेक्ट वॉलेट का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको 2 वॉलेट कनेक्ट करने होंगे, एक रहेगा आपका कॉस्मोस वॉलेट जिसको आप यहाँ पे कैपलर वॉलेट कह सकते हैं, एंड सेकेंड वन विल बी मेटामास्क वॉलेट। तो मैं यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉस्मोस एड्रेस सेलेक्ट कर लेती हूँ, और इसके लिए मुझे कैपलर वॉलेट की ज़रूरत होगी, कैपलर वॉलेट या लीप वॉलेट, दोनों में से जो आपको सही लगे आप यहाँ पे आके कनेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड, जब आपका वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो जाए उसके बाद आपको अगेन यहाँ पे मैनेज वॉलेट के सेक्शन पे आना है, कनेक्ट अनदर वॉलेट के सेक्शन पे क्लिक करके इथेरियम एड्रेस के कनेक्ट करने के लिए मेटामास्क वॉलेट को भी आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। दोनों वॉलेट आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाए तो आपको मेन काम क्या करना है, यहाँ पर फॉसेट लेना है। तो फॉसेट के सेक्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको 10 राइज टोकन जो है वो मिलने वाले हैं। सो सेंड रिक्वेस्ट के सेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे फॉसेट जो है वो मिल चुका है। फॉसेट तो मिल गया, बट एक बात और आपको बताना भूल गई कि जो भी मेटामास्क वॉलेट आप यहाँ पे कनेक्ट करें, मेन श्योर कि आपके पास में इथेरियम मेननेट पर 0.001 ETH होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास 0.001 ETH नहीं होगा तो आप यहाँ पे राइज टोकन को क्लेम नहीं कर पाएंगे इसका फॉसेट। तो मेक आपको 0.001 ETH रखना अपने वॉलेट में नेसेसरी है। सुबह जब आपको यहाँ पे फॉसेट रिसीव हो चुका है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमें फॉसेट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो कैपलर वॉलेट को ओपन की लीजिएगा, आपको यहाँ पे नेटवर्क को चेंज करना होगा, मैनेज चेन विजिबिलिटी पे आपको जाना है। यहाँ पे आने के बाद में सिंपली आपको जो है टाइप करना है सनराइज, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, आपको इसको टिक कर लेना है, स्क्रॉल अप कीजिए, सेव कर लीजिए, तो आपका नेटवर्क जो है वो सेव हो चुका है। अगेन कैपलर वॉलेट को ओपन कीजिए, सिंपली यहाँ पर मैं करती हूँ सनराइज, एंड हियर यू कैन सी कि मुझे 10 सीजन मिल चुके हैं। तो जब यहाँ पे मिल चुके हैं, अब हम यहाँ पे पॉइंट प्रोग्राम के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
के 1000 पॉइंट्स मिल चुके हैं। और किस तरीके से पॉइंट्स आपको अर्न करें वो आपको इन्होंने बताया हुआ है, एंगेज इन स्वैप, एड लिक्विडिटी, डिक्रीज लिक्विडिटी, रेफरल प्रोग्राम एंड बूस्टर कैंपेन। तो इसका मतलब है कि स्वैपिंग आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप अर्न करेंगे उतना बढ़िया है। लिक्विडिटी ऐड कीजिए, उसे रिमूव कीजिए, रेफरल अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेम्बर्स ऑलरेडी कितने पॉइंट्स जो हैं अर्न कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एंगेज इन स्वैप के लिए आपको यहाँ पर स्वैप वाले फीचर पर क्लिक करना है। के पास में सनराइज़ टोकन है तो ऊपर सनराइज़ टोकन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप किस टोकन में इसको स्वैप करना चाहते हैं वो बिल्कुल आपके ऊपर है। जैसे कि मान के चलिए मैं USDC में कर लेती हूँ एंड यहाँ पर मैं वन कर लेती हूँ। बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट कीजिएगा क्योंकि आगे जाके हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। यहाँ पर 0.1 मैंने ले लिया है, अब USDC में यहाँ पे स्वैप करती हूँ। ट्रांजेक्शन आएगी कैपिटल वॉलेट में, आप उसे कन्फर्म कीजिए एंड आपके ईवन स्वैपिंग कम्प्लीट होती है। इसी तरीके से आप अलग अलग पेयर्स में यहाँ पे स्वैपिंग को कंप्लीट कीजिएगा। लिक्विडिटी के सेक्शन पे जाके किसी में भी आप यहाँ पे लिक्विडिटी भी दे सकते हैं। सो मैं एक बार और स्वैपिंग कर लेती हूँ एटम टू राइज। सिंपली स्वैप के फीचर पे क्लिक कीजिए, कैपरा वॉलेट में ट्रांजेक्शन आएगी उसे कंफर्म कीजिए। देन इसके बाद हम लिक्विडिटी पूल वाले सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे एटम एंड राइस का पूल है, हमने यहाँ पे क्लिक किया। ऐड लिक्विडिटी के सेक्शन पे हमने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर कुछ एटम जो हैं वो शो हो चुके हैं। सो मान के चलिए 0.0001 एटम में यहाँ पर दे देती हूँ, लिक्विडिटी को ऐड कर देती हूँ। कैपिटल वॉलेट में ट्रांजेक्शन आएगी उसे हम कन्फर्म कर देते हैं। ये टास्क भी आपका यहाँ पर डन हो जाता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे टास्क को करती गई स्वैपिंग को लिक्विडिटी को, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4000 पॉइंट मुझे इंस्टेंट मिल चुके हैं। दो स्वैपिंग करिए, एक लिक्विडिटी करिए, तो हर ट्रांजेक्शन के 1000 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पे डिक्रीज लिक्विडिटी भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एटम एंड राइस भी किया था एंड यहाँ पर एड लिक्विडिटी के सेक्शन पर आए थे हम। यहाँ से ही चलते हैं, डिक्रीज लिक्विडिटी के ऑप्शन पर हमने यहाँ पर क्लिक किया। सो लिक्विडिटी को डिक्रीज़ करने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, इनके डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे कहाँ से आएंगे आप, लिक्विडिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इस होम वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे इनके होम पे। यहाँ पे आएंगे तो आपके लिक्विडिटी यहाँ पर दे रखी होगी, आप चाहें तो इसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे कर रखा है इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो डिक्रीज़ लिक्विडिटी के सेक्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, 25% डिक्रीज़ कर देती हूँ। मेन मकसद है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमारी कंफर्म होनी चाहिए, बस जो ट्रांजेक्शन आएगी आप उसे कंफर्म कर दीजिए। तो ये वाली एक ट्रांजेक्शन भी आपकी कंप्लीट हो गई एंड नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे डिक्रीज़ लिक्विडिटी के सेक्शन पे क्लिक करती हूँ ये वाली पोजिशन के लिए एंड यहाँ पे डिक्रीज़ कर लेती हूँ, एक और ट्रांजेक्शन मेरी कंप्लीट हो गई। तो बस यही टाइप कर करके आपको यहाँ पे पॉइंट्स को अर्न करना है और जो भी आपके पॉइंट्स रहेंगे ये आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे। आपको जस्ट वेट करना है कुछ ही टाइम, 1 से 2 महीने तक भी लगातार आप इस प्लेटफॉर्म पे पॉइंट्स को अर्न करते रहे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम यहाँ से ले पाएंगे। सो बस गाइस इतना ही काम है यहाँ पे, और जितनी भी आप लिक्विडिटी ऐड करेंगे उसके बदले में एज अ रिवॉर्ड आपको यहाँ पे वीराइज मिलने वाला है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे वीराइज को वोटिंग पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड इसके थ्रू भी आपके यहाँ पे पॉइंट्स की अर्निंग जो है वो होने वाली है, जो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इनका एक ये गैलेक्स प्रोग्राम भी चल रहा है और ऑफिशियल है, तो गैलेक्स में भी इनके पॉइंट सिस्टम चल रहे हैं, जैसे द सन इज़ राइजिंग वेलकम अबोर्ड चल रहा है और ये अवेकिंग वाला चल रहा है। तो फर्स्ट वाले पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फॉलो करना है, रीट्वीट करना है, विजिट करना है, विजिट कर करके। तो ये सब टास्क मैंने यहाँ पर कम्प्लीट कर लिए हैं, आप भी कम्प्लीट कर लीजिएगा एंड यहाँ पर आप ओट को भी क्लेम कर लीजिएगा। सेकेंड वाला जो गैलेक्स है द सन इज राइजिंग वेलकम अबोर्ड है, इसमें भी लाइक रिट्वीट वगैरह आपको यहाँ पे करना है, विजिट करना है और ये क्विज है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव दे देना है, नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है। सो अब मैंने ये क्विज पास कर लिए हैं, तो गाइज पहले का जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तीनों का यहाँ पे जो आंसर है वो ए रहेगा। तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा एंड विजिट कर लीजिएगा वेबसाइट पे। सो बस गाइज इतना सा काम है, फटाफट से पॉइंट्स को क्लेम कीजिए, आज से ही इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे तो पॉइंट्स अच्छे खासे अर्न होंगे। बाकी चलते हैं हमारे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अपडेट ऑलरेडी है, प्लीज़ आइए चेकआउट कीजिए। ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से भी यहाँ पर EW कॉइन का एड ड्रॉप आया था, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर पूरी पोस्ट दे दी है, साथ ही आपको स्टेप्स भी यहाँ पर बता दिए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। चेकआउट कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू एड ड्रॉप न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे TS हेल्प ग्रुप में। थैंक यू सो मच।